अगले साल युवा भारत के ऐसे कार्यकर्ता आए जो बच्चों को गर्भाधान से लेकर के और ना जात कर्म तक, उसके पैदा होने तक, जब पैदा होता है उसके कान में बोला जाता है ना ओम वेदोसी, और उसकी जीवा पर ओंकार लिखा जाता है सोने या चांदी की सलाका से मधु के द्वारा, यहाँ तक माने युवा भारत के लिए हम ये लक्ष्य देंगे कि युवा भारत के ऐसे सात्विक कार्यकर्ता भाई बहन, ऐसे भाई बहन जो बहुत पवित्रता से एक आदर्श गृहस्थ धर्म का निर्वहन करना चाहते हैं, फिर वो घर पे ही रहेंगे लेकिन उत्तरदायित्व तो पूरी प्रामाणिकता के साथ, वो वेदों का यज्ञ करना, वेदादि का स्वाध्याय करना, ओंकार और गायत्री का जप करना। कुछ बहनों से तो मैंने, कुछ भाइयों से तो एक कार्यक्रम करवाया अभी भी, लेकिन वो संख्या बहुत थोड़ी है। मैं चाहता हूं कि ऐसे कम से कम 50-100 बच्चे तो हमको मिल ही सकते हैं, इससे ज़्यादा को संभालना भी मुश्किल होगा। उसके लिए हमारी बहनें भी तैयार हो गई हैं, जो निवृत्त हो गई हैं ना उनको भी फिर पूरा संन्यास दे देंगे। अब मैं संन्यास देने वाला कार्य भी शुरू करने वाला हूँ, तो आप में से भी जिनको पूर्ण रूप से संन्यास्त होना है ना, आध्यात्मिक दीक्षा ही बहुत बड़ी, ऐसे हमारे ब्रह्मचारियों को भी देंगे। ब्रह्मचारियों का वेद व्याकरण शास्त्र आदि का अध्ययन पूरा हो रहा है, तो ये थोड़े दिनों में संन्यास की दीक्षा ये मेरी जो बाई तरफ बैठे हैं सबको भी देने वाला हूँ। जयदीप जी, राकेश जी और सुमन जी तो मतलब वैसे तो सन्यासी नहीं है ही, बस थोड़ा इनका वस्त्र परिवर्तित हो जाएगा, सफ़ेद से लाल हो जाएगा, कितनी अच्छी लगेंगी ना। और आप में से भी बहनों जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है और जो पूरी पूर्ण स्वस्थ हैं, मेरे संन्यास देने के मापदंड हैं, ऐसे नहीं, मैं सन्यासी भी बनाऊंगा, लेकिन उसमें पहली शर्त है पूर्ण स्वस्थ होना, पूर्ण स्वस्थ होना। और मोह माया की रस्सी तो काटनी पड़ेगी, परिवार में आना जाना मना, परिवार वाले यहाँ आए जैसे हमारे पास भी आ जाते हैं, आओ भाई, माताजी आए पिताजी आए तो उनको माथा टेक के प्रणाम कर लिया, दूसरे आते आशीर्वाद लेके कोई चले गए, इससे ज़्यादा कोई आते जाते ही नहीं क्योंकि मैं जानता ही नहीं। आपको आश्चर्य होगा, मुझे अपने चाचा ताऊ भाई भतीजे फूफा फूफी और पता नहीं क्या क्या रिश्ते नाते होते हैं इनका पता ही नहीं, क्यों, अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं, किसी को कोई आ गया तो आ गया। मेरे सहपाठियों में क्योंकि मेरे रामानंद जी बचपन के मित्र थे, उनके एक भाई का नाम उन्होंने बहुत दिन में आके बता दिया, नहीं तो वो भी भूल गया था, एक सहपाठी का नाम याद नहीं, क्यों, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, वो पन्नाबद्ध कर रखा है, हमने पिछली किताब बंद कर रखी है, आप लोग भी बंद कर दो। तो पिछले पन्ने, पिछली किताब जो बंद करके आना चाहते हैं, तैयार हो बहनों, फिर पति बच्चे ये नहीं याद करके रहना यार, ठीक है, वो क्षणिक उत्तरदायित्व था, हो गया पूरा, जिंदगी भर के लिए पति पत्नी थोड़ी हो, ये गलत फहमी है, 7 जन्मों तक हम पति पत्नी रहेंगे, हाँ ये फालतू क्या बात है, ये ठीक है। पिछले पन्ने बंद, पिछला पुल तोड़ के आना है, पूज्य आचार्य भाषण जी कहते हैं कि भाई पिछला जो पुल है ना वो तोड़ के आ जाओ, सेना की तरह ना, जैसे सेना के लोग जब युद्ध में होते हैं ना तो जैसे कहीं उनको आगे बढ़ना होता है दुश्मन की तरफ भी, तो फिर वो जो है जिस पुल से बढ़ते हैं ना उसको बम ब्लास्ट करके तोड़ के चले जाते हैं, तो पीछे से दुश्मन आके मार देगा, तो पीछे के उसको अनासक्त होकर के आना है, पूर्ण अनासक्त होकर के, तो पूर्ण अनासक्त है, ठीक है, कोई दूसरा आसक्ति रखे तो रखे, हाँ आप मत रखो, कोई दूसरा आसक्ति रखे तो उसका दोष है, दूसरा आसक्ति रखे तो रखने दो, आप नहीं रखना। तो ऐसे कितने हैं जो सन्यासी बनने के लिए तैयार हैं,
बिना प्रेरणा दिए हाथ उठाइयो, फिर तो 101 बच्चे तो पाल ही लेंगे फिर तो। लेकिन इसमें वो ये भी दूसरी शर्त है, आपको 100 साल तक स्वस्थ रहना है। पता लगा कि एक को संन्यास दिया और दो को सेवा में लगाना पड़ा, ये कार्यक्रम नहीं, पूर्ण स्वस्थ होना सेवा देने वाला होना चाहिए सन्यासी, सेवा देने वाला, लेने वाला नहीं भाई, लेने वाला नहीं ऐसे। तो अब हाथ उठाइयो, जरा खड़े हो जाइयो, मैं देख लूं भावी सन्यासियों को। सीमा और जोहर जी तो ये तो दोनों ही पति पत्नी तैयार हैं सन्यासी होने के लिए, लेकिन पति पत्नी भी आएंगे तो अलग अलग रखेंगे। हाँ वो फिर वो कर्तव्य पूरा हो गया ना। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। ये मीरा पहले तो मंत्री बनना चाह रही थी, एमपी और सीएम पीएम, अब ये तो सन्यासी में भी तैयार हो गई। इसका मतलब मेरी जड़ी बूटी काम कर रही है। तो आप में से छटाई करनी पड़ेगी फिर है। चलो एक बार इनके लिए जोरदार अभिनंदन कर दो। अगली बार जब आएंगे तब आपसे फार्म भरवाएंगे इसका, बैठ जाओ। और आपको उसके परीक्षा लेंगे इसकी, ऐसे नहीं, शारीरिक परीक्षा भी होगी इसकी। हाँ एक शारीरिक परीक्षा होगी, फिर एक इसकी जो है आपके व्यवहार की परीक्षा होगी, देखा जाएगा आप वाणी से, व्यवहार से, आहार से, स्वभाव से, दिनचर्या से जो प्रमादी होंगे उनको बिल्कुल नहीं लूँगा। पता लगा कि उनको फिर संभालना ही पड़ा, जो संभले हुए हैं है ना, जो पूर्ण पुरुषार्थी हैं, पूर्ण पुरुषार्थी, पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण विवेकशील, पूर्ण विनयशील, ऐसे। तो आप लोग तैयार हो जाओ, मैं आपको ही मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी जो हमारे बड़े भाई हैं, जिनसे मेरी अत्यंत प्रीति है, और पूज्य आचार्य भाषण जी सब मुझे कम से कम 25 सालों से कह रहे हैं, स्वामी जी आप दीक्षा देना शुरू करो, तो मैं अगले साल से संन्यास की दीक्षा देना भी शुरू कर रहा हूँ अगले साल से। सारे तैयार है, एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। ये सचिन, रामाशीष, इनसे मैंने पूरा एफिडेविट भरवा के ले रखा है पहले से। मैंने कहा भाई माता पिता से पूछ के बताओ, अब तुम समझदार हो चुके हो, ये पहले ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होके आए हुए हैं, ये सारी जो पूरी फौज है ना, ये स्नातक आदि होकर के पूरा शिक्षा दीक्षा लेकर के पूर्ण होकर के आए हैं। तो सचिन जी, रामाशीष जी, नवीन जी, पुष्कर जी और अदिति जी, अर्पिता और सरोज, और भी काफ़ी हैं, पूनम, जो हमारे जो अगले साल संन्यास लेने वाले हैं सारे ब्रह्मचारी, तो सुबह की कक्षा में आएंगे। मैंने करीब जो है ऐसे तैयार कर लिया, अभी मैंने कहा इनका इंतजाम कर दो, अब एक बार ना आदमी को बांध देना चाहिए खूंटे से, तो इनको अगले साल सबको खूंटे से बांधने वाले हैं। कम से कम अगले साल 100 से ज्यादा भाई बहनों को संन्यास देंगे। बैठ जाओ भाई। हमें विनोद जी जैसे सेवा व्रतियों पर बहुत गौरव है, ऐसे निराभिमानी, ऐसे कर्तव्य पारायण, ऐसे विनयशील, जो मैं कह रहा था ना, पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण पुरुषार्थी, पूर्ण विवेकशील, पूर्ण विनयशील, ऐसे हमें कैसे सन्यासी चाहिए। मुझे वेदज्ञ सन्यासी भी चाहिए, वो भी होंगे, विद्वान सन्यासी भी होंगे, और सेवा सन्यास से, आप लोगों ने चार वेद नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान तो इतना ही है, तत्त्वमसि, बस तुमने ये जान लिया है ना कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, और ये इसको स्वभाव बना लो। अब एक साल अभ्यास करना आप इसका, कि आप ऐसे ही रहो अपने घर में जैसे एक सन्यासी रहता है, आत्मस्वरूप में जियो। तो एक साल आत्मस्वरूप में जीने का अभ्यास करके आपको आना है, और अगले साल, इस साल तो अभी जल्दी आ गई ना रामनवमी, रामनवमी पर मैंने संन्यास लिया था,
6 अप्रैल 1995 को। तो आप ऐसा करना, अगले साल मेरे संन्यास दीक्षा पर ही जो भी है 23-24 जो भी होंगे 25 साल पूरे होने तक कौन सी जयंती मनाते हैं? रजत जयंती मनाते हैं ना, तब तक तो एक सन्यासियों का बहुत बड़ा समूह तैयार कर देना है, और ऐसे प्रामाणिक सन्यासी, आजकल बाबाओं के नाम से भी बड़ी बदनामी हो रखी है देश में, तो हम इस देश में ऐसे सन्यासी देंगे जिनके ऊपर 125 करोड़ भारतवासी गर्व कर सके, ऐसे चरित्रवान वेदज्ञ, चरित्रवान ऐसे समर्थ सन्यासी वेदज्ञ भी देंगे, और आप जैसे भाई बहनों में पूर्ण सेवा में जी अध्यात्म को जिन्होंने अपना स्वभाव बना लिया है। सन्यास की दो ही योग्यताएं हैं, एक तो वेदज्ञ हो तो बहुत अच्छी बात है, या तो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों हो, या ब्रह्मनिष्ठ हो वो भी सन्यासी हो। सन्यासी होने के दो ही अधिकारी हैं, एक श्रोत्रिय और दूसरा ब्रह्मनिष्ठ। तो ब्रह्मनिष्ठा का अभ्यास आपको करना है, ब्रह्मनिष्ठा का अभ्यास अब आप साल भर तक इसका अभ्यास कीजिए जो सन्यासी बनना चाहते हैं। और भी आस्था पर भी लाखों करोड़ों भाई बहन मुझे सुनते हैं, तो आप एक वर्ष तक पूर्ण तप करो। सब तैयार है? एक वर्ष तक पूर्ण तप पता है कैसे होगा? एक वर्ष तक आप ऐसे ही जियो जैसे सन्यासी को जीना चाहिए, जैसे मैं जीता हूं मेरी तरह से जियो, एक वर्ष तक मेरी तरह से जीना, माने पूर्ण जितेंद्रियता। अब पति पत्नी में मैत्री संबंध होना चाहिए, पति पत्नी में मैत्री संबंध, पूर्ण जितेंद्रियता, और एक 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक एक आदर्श दिनचर्या, एक आदर्श जीवन शैली, और ब्रह्मनिष्ठा का अभ्यास, 24 घंटे ब्रह्म के साथ एकात्म होकर के ना जीने का अभ्यास। ये तीन बड़ी चीजें, 24 घंटे ब्रह्म के साथ एकात्म होकर के जीने का अभ्यास, जैसे मैं अभी बता रहा था कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तत्त्वमसि श्वेत केतु अहम ब्रह्मास्मि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। इस भाव से नीचे नहीं आना, ब्रह्म भाव से नीचे नहीं आना आपको। और कभी कभी थोड़ा बहुत भूल हो भी गई तो भूल को तुरंत सुधार, भूल का तुरंत सुधार। और जो सन्यासी बनने में समर्थ होंगे उनको सन्यासी भी बनाएंगे, और वो सन्यासी खुद जाग करके औरों को जगाएंगे, खुद प्रकाशित होकर के सारे अंधेरे को मिटाएंगे। देखो मैं भोजन भट्ट सन्यासी नहीं बनाना चाहता, मैं प्रमादी सन्यासी नहीं बनाना चाहता, ऐसे सन्यासी जो सचमुच, देखो मेरे हृदय में एक संकल्प हमेशा हिलोरे लेता रहता है कि मेरा सत्य सनातन वैदिक धर्म यदि सर्वश्रेष्ठ है तो उसकी सर्वश्रेष्ठता हमें अपने जीवन और आचरण से धरती पर मूर्त रूप में देखने को मिलनी चाहिए, खाली किताबों में नहीं। कि किताबों में लिखा है वेद धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सा प्रथमा संस्कृति ही विश्व आरा, ये विश्व की प्रथम संस्कृति सभ्यता है, तो भाई जो वेद धर्म सर्वश्रेष्ठ है तो वो हमारे जीवन से, हमारे आचरण से, हमारे कर्तृत्व से, वेद धर्म की सर्वश्रेष्ठता ये हमारे आचरण से, हमारे पुरुषार्थ से, हमारे पराक्रम से, और हमारे साम्राज्य से। बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित कर लिए पापी लोगों ने, और हम खाली बैठे हुए, हम खाली वेद का पाठ कर रहे हैं, इंद्रम वर्धन्तो अप्त्रह कण्वन्तो विश्वमार्यम, हम मंत्र बोले जा रहे हैं। ये होना चाहिए, तो आपको भी सन्यासी बनाना है मुझे, और आपसे योग्य संतानों को भी लेना है मुझे, एक संतान देश के लिए, ठीक है भाई?
बोलो तो सही। एक संतान वेद के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, सेवा के लिए, भारत के इस सनातन धर्म की गौरव गरिमा पूरे विश्व में प्रतिष्ठापित करने के लिए ना, विश्व में वेद और भारत की ऋषि परंपरा की प्रतिष्ठा के लिए, ये एक संतान बस, एक मुझे दे देना, दो दो तो हैं ही सबको, एक आप संसार धर्म चला लो, हमारा भी संन्यास धर्म चलने दो भाई, तो देंगे। अभी जिनकी संतान है, देखो योग्य संतान है, देखो अच्छे बीज नहीं होंगे तो अच्छी फसल नहीं हो सकती, संतानें तो श्रेष्ठ होनी चाहिए। उसमें जो संतान आप मुझे देंगे ना, उसका लक्षण है सबसे पहले वो प्रज्ञावान होनी चाहिए, बुद्धिमान, दूसरी फिर वो ठीक है स्वस्थ हो, और जो है बाकी तो हम कर लेंगे काम, कोई दिक्कत नहीं, वो कोई हो, लड़का हो लड़की हो, कोई उसमें कोई भेद नहीं है। तो कितने ऐसे कार्यकर्ता भाई बहन हैं, मैंने साउथ में भी बच्चे मांगे थे, वहाँ से भी आ रहे हैं, सारे देश में इस वेद धर्म की, राष्ट्र धर्म की, इस अपनी सनातन परंपरा ऋषि परंपरा की बहुत बड़ी गरिमा, इसके लिए लगभग 50 वर्षों का मेरा प्रोजेक्ट है अभी, कितने वर्ष का, 50 वर्ष का, 50 वर्ष का प्रोजेक्ट है पूरा। तो कितने ऐसे भाई बहन है, जो पहले चौथी वाले पूछता हूँ, फिर दसवीं बारहवीं वाले पूछूंगा, फिर विश्वविद्यालय वाले। तो चौथी कक्षा पास बेटा हो या बेटी हो, आपके या जो भी संयुक्त परिवार के भी हो सकते हैं, आपकी खुद की संतान हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपने कोई भी संयुक्त परिवार में कोई ऐसी संतानें, योग्य संतानें, या अपने अन्य कार्यकर्ताओं की भी संतानें हो सकती हैं, या ऐसी ऐसी सात्विक आत्माएं तो बहुत हैं, उन तक हमारा संदेश नहीं पहुंचता, इसलिए आपको माध्यम चुन रहा हूं मैं उसके लिए। तो आप में से कितने भाई हैं जो अपने घरों से ऐसी ऐसी संतानों को भेजने के लिए तैयार हैं, इसी साल, इस साल मतलब अभी, एक शिविर तो अगले महीने एक जनवरी में फरवरी में होगा, फिर ऐसे हर साल एक क्रम चलेगा, जरा हाथ उठा के रखो, भाई भी बहनें भी हाथ तो उठा के रखो, भाई ज़्यादा हाथ उठा रहे, बहनों में क्या टोटा पड़ रहा है क्या, जरा हाथ ही लाओ तो पता तो लगे, चलो इस बार इतनों से ही गुजारा कर लेंगे, फिर आगे कर्म चलेगा, चलो नीचे कर लो। और युवा भारत के कितने कार्यकर्ता हैं, जरा एक बार हाथ उठाओ, युवा भारत वाले एक बार जरा इनके लिए जोरदार अभिनंदन कर दो। तो आपके लिए अगले साल का वो कार्यक्रम दे दिया है, अगले साल का कार्यक्रम दे दिया युवा भारत को, कि जिनको वेदानुकूल संतान पैदा करनी है ना, ये युवा भारत को कार्यक्रम देंगे, जिनको वेदानुकूल ऋषि संतानों को जन्म देना है। ऋषियों की आत्माएं आसमान में भटक रही है, धरती पर उतरने के लिए जगह ही नहीं मिल रही उनको बाकी तो कहीं ना कहीं घुस ही जाते हैं। मैंने कहा ना, बायो प्रोडक्ट के रूप में जो पैदा हो रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं उतर जाते हैं। तो ये ऋषि आत्माओं का आसमान में विचरण हम लंबे समय तक देखना नहीं चाहते। तो युवा भारत जो ऋषि संतानों का इस धरती पर अवतरण ये कार्य है, तो इसमें ये युवा भारत के बच्चों को तैयार होना है इसके लिए, जो विवाहित हो चुके हैं या जो अभी विवाहित होंगे,
विवाहित हैं या विवाहित होने वाले हैं, है ना, उनका एक शिविर करेंगे और उनको प्रशिक्षण देंगे, फिर वो आगे तैयारी करेंगे। श्रेष्ठ आत्माओं का अवतरण और उनका फिर उनको ऐसा वातावरण देना, ये बहुत बड़ा कार्य है। छोटी छोटी चीजें, माता पिता को अत्यंत जागरूक रहना पड़ता है, अत्यंत विवेकी, अत्यंत तपस्वी, अत्यंत तपस्वी और अत्यंत विवेकी उनको होना पड़ता है, तब जाकर के ये संभव होता है। ये साधारण घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है ये। तो ऐसी संतानों को आप हमको दीजिए, और फिर आप में से जिनमें सामर्थ्य है सन्यासी होने का, उनकी परीक्षा ली जाएगी, मैंने कहा, और उनको फिर जो है परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाएंगे उनको अगले साल रामनवमी पर पूरा विधिवत रूप से सन्यास दीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और ये हमारे दीक्षित सन्यासी शिष्य होंगे जो भारत की सन्यास परंपरा और ऋषि परंपरा को गौरव प्रदान करेंगे। ये बहुत बड़ा कार्य होगा। तो एक तो योग का आंदोलन, ये आंदोलन इस बार की मीटिंग का जो बड़ा विषय है, एक तो योग को और बड़े आंदोलन का रूप देना है। अभी जितना कार्य हुआ है वो दुनिया के लिए तो बहुत है, लेकिन हम अभी इसी से संतुष्ट नहीं है, और विराट आंदोलन योग का आंदोलन बने। दूसरा, फिर ये बहुत बड़ा ये वैदिक विद्या, ऋषि विद्या, इसका भी एक बहुत बड़ा आंदोलन ये गुरु शिष्य परंपरा से, गुरुकुलों से चलने वाला है। विद्या के आंदोलन में मैं विद्या का, वेद विद्या का आंदोलन कह रहा हूं इसको, वेद विद्या का आंदोलन। ये वेद विद्या का जो आंदोलन है ना, ये बहुत जरूरी है इस समय। और तीसरा, फिर ये शिक्षा का आंदोलन तो चलेगा, आचार्य कुलम आदि, ये शिक्षा का आंदोलन ही, मैं शिक्षा संस्कारों का आंदोलन है, वो ठीक है, उसकी भी आवश्यकता होगी और वो भी बहुत, लेकिन ये जो शिक्षा और संस्कारों का आंदोलन है, इसका नेतृत्व करने के लिए मुझे विद्वान चाहिए, इसके लिए मुझे ऋषि आत्माओं की आवश्यकता है, इसके लिए ऋषि आत्मा चाहिए। ये जो शिक्षा और संस्कारों का आंदोलन चलने वाला है पूरे देश में, ये जो मैकाले की शिक्षा पद्धति को रिप्लेस करना है ना, मैकाले की शिक्षा पद्धति का जो विकल्प तैयार करना है, उसके लिए हमको ऐसे हजारों विद्वान विदेशियों की आवश्यकता है। वो बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य, इसके लिए आप लोगों को भूमिका निभानी है। संसार में बाकी तो बहुत तरह के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब बनेंगे, हम भी बनाएंगे, मैंने कहा, वो विषय नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सब बिजनेसमैन, ये सब बनाएंगे ना, ये सब खिलाड़ी भी बनाएंगे, सब तैयार करेंगे, लेकिन इससे भी सबसे मतलब बड़ा कार्य है ना ये ऋषि बनाना, इससे भी बड़ा ये ऋषि बनाना, ये बड़ा कार्य है, ये कार्य होगा। और इस सारे कार्य को ऊर्जा देने के लिए फिर अपना ये स्वदेशी का अनुष्ठान है। ये जितना भी मैंने कहा ऋषि युग की पुनरावृत्ति, ऋषि युग की पुनरावृत्ति, ऋषि युग की पुनरावृत्ति का जो कार्य है, वैदिक युग की पुनः प्रतिष्ठा का कार्य है, ये ऐसे नहीं हो जाएगा, इसके लिए बहुत तप करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें बहुत शक्ति भी चाहिए। देखो दुनिया में बिना शक्ति के कार्य नहीं होता, और आर्थिक शक्ति, आर्थिक संसाधन, बिना साधन के साध्य प्राप्त नहीं होता है। साधन हमारा 100% मजबूत होना चाहिए, तो ही हमें साध्य मिलेगा। तो ये जो स्वदेशी है ना, ये हमारा साधन है, साध्य है वैदिक युग की प्रतिष्ठा है, साध्य ऋषि युग की प्रतिष्ठा है, साध्य चारों तरफ देवत्व की प्रतिष्ठा, ऋषित्व की प्रतिष्ठा, साध्य महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा करना। स्वामी विवेकानंद कहते थे मुझे अपने जैसे सोन चकेता चाहिए, महर्षि दयानंद कहते थे धरती का उपकार जितना एक योगी सन्यासी कर सकता है उतना दूसरा नहीं कर सकता, मैं अपने जैसे हजारों सन्यासी इस देश में देखना चाहता हूं।
जो उन सब महापुरुषों के सपने अधूरे रह गए थे, उन सब के सपनों को पूरा करने का काम, वो उत्तरदायित्व तो हमने अपने सिर के ऊपर लिया है। शेरविंद कहते थे, मुझे अतिमानस चेतना युक्त शाश्वत के प्रतिनिधि ऐसे ऋषि आत्माओं की आवश्यकता है, वो सब महापुरुषों के सपनों को साकार करना है। भगवान राम की जय किस लिए बोलते हैं? हमें राम जी जैसा बनना है। हम भगवान कृष्ण की जय किस लिए बोलते हैं? भगवान कृष्ण जैसा। महर्षि दयानंद की जय किस लिए बोलते हैं? महर्षि दयानंद जैसा। हम चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह के नारे लगाते हैं, हमें वैसा बनना। लेकिन हम लोग ना नारे नारे लगा देते हैं, ये हमें करना है कि हम उन्हीं जैसे बन जाएं। तो आज का जो सत्र है वो इसी बात के लिए समर्पित है हमारा, कि हमें अपने पूर्वज ऋषियों जैसा बनना है, अपने ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं, अपने उन महापुरुषों और पूर्वजों का प्रतिरूप बनना है हमको, और उनका प्रतिरूप बन करके जैसे वो योगस्थ होकर के जीते थे और योगस्थ होकर के अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते थे, ऐसे हम सबको अपने दिव्य उत्तरदायित्व का, ईश्वरीय उत्तरदायित्व का अपने को निर्वहन करना, इसी को हम भागवत धर्म, ईश्वर ईश्वरीय कर्तव्य नाम देते हैं। इसको राष्ट्र धर्म, सेवा धर्म, योग धर्म, योग सेवा से राष्ट्र सेवा, मानव सेवा का नाम देते हैं। आज के सत्र को इसी संकल्प के साथ हम विश्राम देते हैं कि हम ऐसे बन कर के दिखाएंगे, ऐसे ही हम जिएंगे, और ऐसे ही जीने वाले हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों और भाई बहनों को तैयार करेंगे। ओम शांति 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 ही।